Good afternoon, everyone. I am Jiten Singh Parihar, Assistant Professor, Pantheon Point Technical College. आज डेट 6 मई 2020 आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर और टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी. जीआईएस फिफ्थ यूनिट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी. दैट मीन्स हिंदी में अगर बात करें प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता. दैट मीन्स द साइंस ऑफ चांस. कोई घटना घटेगी तो उसके क्या चांस हो सकते हैं, उस चीज़ के होने के क्या पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी की स्टडी की जाती है. यहाँ अगर इसकी बात करें कि कैसे स्टार्ट हुआ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लगभग 17वीं शताब्दी में जब जुआड़ी जो होते थे वो जुआ खेलते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जब जीत नहीं पाते थे तो मैथमेटिशियन के पास जाते थे. उस समय के जो गणितज्ञ थे जैसे गैलीलियो भास्कर उनके पास जाते थे और इसकी समस्या को सॉल्व करते थे. धीरे 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 वैज्ञानिकों ने इसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया और फिर ये एकेडमिक्स में आ गया और फिर यहाँ पे कई वैज्ञानिकों ने मैथमेटिशियन ने इसमें डिस्कवरी की और इसे बताया कि प्रोबेबिलिटी केवल जुआड़ियों के लिए नहीं है. वो हो सकता है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को डिसीजन लेने में मदद कर सके. जी हाँ, तो प्रोबेबिलिटी को डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा टूल माना जाता है. अगर हम प्रोबेबिलिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए किसी तरह का सेटअप करना चाहता है, तो उस घटना के घटने का अगर पहले एक साइंटिफिक मेथड से चांस निकाले तो उस पर नुकसान या फायदा वो अनुमानित कर सकता है, जिससे वो एक सही डिसीजन लेगा और आगे बढ़ सकता है. तो कैसा होता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्या होता है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे. और यहाँ पे बताएंगे कि किसी भी घटना को अगर माने कोई भी एक एक्टिविटी है ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बी ए से डिनोट करें तो वो हमेशा बराबर होगी, उस घटना करने की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ लाइकली केसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उस घटना से जितने भी लाइकली केसेस है और जिस घटने के बारे में फाइंड करना चाहते हैं तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देते हैं, उसको अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उसके चांस मिल सकते हैं. अगर हम बात करें जैसे कि एक बहुत एग्जाम्पल समझाने की घटना से क्या संदर्भ है, क्या तात्पर्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बात बताए जैसे एक सिक्का होता है. अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालना हमारी घटना है और सिक्का उछालने में जो टोटल लाइकली केसेस होते हैं दो होते हैं, जो उससे रिजल्ट आता है उस आते हैं. फिर इससे बात समझिएगा आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा. एक घटना है सिक्का उछालना, उसमें जो लाइकली केसेस हैं दो होते हैं, आप सभी जानते हैं उसमें हेड आएगा या टेल आएगा. फिर तो हमारे नंबर ऑफ लाइकली केसेस हो गए टू. और अब हम ये पता करना चाहते हैं कि उस एक सिक्का उछालने में हेड क्या आने के कितने चांस है और टेल क्या आने के कितने चांस है. हम जानते हैं कि अगर हम सिक्का उछालते हैं एक बार में दो में से कोई एक ही आता है, तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं चाहे वो हेड हो टेल हो बिना हो वन, लाइकली केसेस कितने दोनों में टू, तो चाहे वो हेड का हो चाहे टेल का हो एक सिक्का उछालने पर जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 मतलब 0.5, दैट मीन्स 50% चांस. मैक्सिमम जो उसके चांस है कितने हैं 50%. क्लियर? तो इस तरह से हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी. इसी तरह सिक्के उछालने से लेकर पासे के सवाल एग्जाम्स में आते हैं, डाइस के सवाल आते हैं, आपके प्लेइंग कार्ड्स के सवाल एग्जाम में आते हैं, वो सब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं. आप वो जो घटना है उसके टोटल लाइकली केसेस कितने हैं और उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं, और घटना ना घटने के लिए उस घटना को ना घटने कितने चांस हैं. जैसे उसका अपोजिट, तो सेम वो पी ए नॉट कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ लाइकली केसेस. समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और एग्जाम में सवाल आते हैं. इवन गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं, कॉम्पिटेटिव जॉब्स आप जिनके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप प्रोबेबिलिटी के बहुत ज़्यादा एग्जाम्स सवाल आते हैं. अगर आपको कमांड हो जाता है प्रोबेबिलिटी नहीं तो आपकी आगे भी बहुत काम आने वाला है. ठीक है, अब हम
इसको और आगे को कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला देखेंगे प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी घटना की। तो अगर हम बात करें कि पी एक घटना है, ठीक है, उसको होने की संभावना एम है, तो इसके होने और ना होने की एम एन है, ठीक है। तो यही दूसरी तरफ पी ए नॉट क्या होगा, एन होगा, एम प्लस एन। इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर की पी बात करें, टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एन प्लस एन एम प्लस एन इक्वल टू यहाँ पे एम प्लस एम, तो ये आएगा एम प्लस एम, तो क्या हो जाएगा फॉर। तो पी ए प्लस पी नॉट यानी उसकी होने की और ना होने की दोनों को मिलाकर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फॉर। एग्जाम में कई बार कोई क्वेश्चन आता है और कभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, तो पी ए प्लस पी नॉट इक्वल टू फॉर, क्लियर। दैट मीन्स अगर आपको ये फाइंड करना है, अगर आप वन से पी ए नॉट माइनस कर देते हैं तो आपको पी मिल जाएगा। सेम एज इसी प्रपोजल अगर आप पी ए नॉट निकालें तो वन माइनस पी ए माइनस कर देते हैं तो आपको पी ए नॉट मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट की एग्जाम में बहुत काम आता है, मेरे को सॉफ्ट में ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसके कॉन्सेप्ट हो गए, प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन हो गई, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। अब हम देखेंगे कॉम्पिटिशन में मेन एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम आपको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जनरली जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं क्वाइन बेस्ड, पहला कॉन्सेप्ट होता है। देन आपको बॉल बेस्ड होते हैं, क्लियर, कुछ बॉल्स के लिए व्हाइट बॉल ग्रीन बॉल ऐसे सवाल आते हैं। प्लेइंग कार्ड बेस्ड होते हैं और डाइस बेस्ड होते हैं जनरली, और भी क्वेश्चंस पा सकते हैं बट बेसिक क्वेश्चंस पा सकते हैं। तो देखिए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, सपोज के लिए टू पॉइंट है, दो सिक्के टू पॉइंट है, अगर हम उन्हें उछालते हैं, दो सिक्के एक साथ उछालते हैं, तो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम देखें नंबर ऑफ लाइकली केसेस उसके जो हो सकते हैं, या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, एक में हेड एक मीटर एक में हेड, और या तो दोनों में टेल, तो ये इसकी लाइकली केसेस है। अब ये घटना है, दो सिक्के को छाना घटना है। अब इससे कई क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे अराइज हो सकते हैं आपको एग्जाम में आ सकता है कि बताइए दोनों सिक्कों में हेड होने के चांस कितने हैं, दोनों सिक्कों में हेड होने के चांस कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सिक्कों में जो हेड होगा केवल एक बार हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की दोनों सिक्कों में हेड होने की, तो वो है वन, और यहाँ पर टोटल लाइकनेस कितने हैं फोर, तो इसकी टोटल प्रॉपर्टी क्या है वन बाई फोर, दैट मीन्स 25% मैक्सिमम, क्लियर। इसकी जो आने के चांस है वन बाई फोर है। अगर बात आती है कि एक में हेड हो एक में टेल हो, जो भी क्वेश्चन है एक में हेड हो एक में टेल हो, तो देखिए कि एक में हेड यहाँ और एक में टेल यहाँ, क्लियर, एक में हेड हो एक में टेल हो, मतलब दोनों अपोजिट, वैसी कंडीशन कितनी है आपकी दो में, यहाँ पे दो टू ऑन फोर टू वन बाई टू, दैट मीन्स 50%, इसके 50% चांस है, क्लियर। ऐसा जो क्वेश्चन हो जाता है कि कोई एक टेल दो सिक्के उछाले एक साथ, उनमें से कोई एक टेल, कोई एक टेल होने के चांस यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, दो में से कोई एक टेल, कोई भी एक टेल, दोनों टेल तो दोनों हेड के बाद कोई भी एक टेल होना चाहिए। इसी बात अगर कोई क्वेश्चन को ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब तो बहुत ध्यान से रखना। अगर आपको उसको समझने में गलती की तो आप आंसर गलत है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि तीनों में टेल आने के क्या चांस है, तो ये हमने आंसर क्या होगा कि तीन जगह हो सकते हैं और थ्री कंडीशन हैं और टोटल लाइफ केसेस 3/4, क्लियर। इसका आंसर 3/4 आएगा। ये तो पॉइंट बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये प्रोबेबिलिटी हम बेसिक
आपको वीडियो बना के दे रहा हूं इसको समझने के लिए स्टार्टिंग में स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल नहीं जानते इसको कैसे समझेंगे ओके इसी तरह 3 पॉइंट्स के लिए होगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 8 हो सकती है 4 पॉइंट्स के लिए होगा तो 16 हो सकती है अगर आपने बाइनरी पढ़ा है बाइनरी स्कूल में जो लेना जब पढ़ा कि कांसेप्ट आपको पॉइंट बहुत आसान है ठीक है अब हम देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी के भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ स्टेप्स हो सकते हैं वो बेस्ड होते हैं आपके बैग से रिलेटेड ऐसे बोलते हैं कि एक बैग है एक कंटेनर है उसमें 10 व्हाइट बॉल है और 20 रेड बॉल ओके ये करना है तो यहां पे आपको क्वेश्चन देगा कि एक बैग में 10 व्हाइट बॉल है 20 रेड बॉल है और स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो बनाएगा और पूछेगा आपसे कि अगर एट अ टाइम बैग में हाथ डाल के रैंडमली हम कोई एक बॉल निकाले तो उसके रेड होने के क्या चांस होंगे या दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसके ग्रीन होने के क्या चांस हो सकते हैं तो अगर हम रेड की बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये देख रहे हैं कि बैग के अंदर टोटल बॉल